ए के टी यू रिजल्ट एके टी यू रिजल्ट को लेकर आज की महत्वपूर्ण अपडेट है एके टीय बैक पेपर रेगुलर रिजल्ट आपको पता होगा कि ए के टी यू का थर्ड ईयर और फाइनल के एग्जाम्स हो चुका था और जो उसमें बैक थे रेगुलर थे सभी छात्रों का रिजल्ट को वेट था तो उसको लेकर एक अपडेट निकल के आ रही है तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्या है पूरी आज की अपडेट यहाँ पे दोस्तों बिना कुछ देरी के मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक से आता हूँ यहाँ पे देखिए प्रदेप कुमार मिश्रा सर का जो व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप अकाउंट है ठीक है अब उनको ये ये देखिए हमें मैसेज किया है कि ये बता दीजिए कि फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो रहा है और सर प्लीज़ रिप्लाई उसके बाद फिर आगे लिख रहे हैं एक स्टूडेंट हैं रिजल्ट कब आएगा फाइनल ईयर का अब उसके बाद देखो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया कहा कि एवेलुएशन इज़ प्रोग्रेस ठीक है फिर इन्होंने पूछा कि फरवरी लास्ट वीक पब्लिश है सर सॉरी पॉसिबल है क्या बोले फरवरी लास्ट वीक तक पॉसिबल है मतलब थोड़ा पुराना होगा ठीक है उसके बाद इन्होंने क्या कहा सर रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं फाइनल ईयर का प्लीज़ सर रिप्लाई उसके अलावा ए के टू यू इन्होंने लिखा फाइनल ईयर रिज़ल्ट फिर उन्होंने कहा इन ए डे व आर टू यानी एक दो तो दिन में इन्होंने कहा कि आ जाएगा तो उसके बाद एक स्टूडेंट और है इन्होंने भी यही चीज़ की इन्होंने भी यही पूछा कि सर इन, एक यहाँ पे एक तर, न, ए के टू न्यू बी सी की नाम से अकाउंट में इनको सेव है व्हाट्सएप में ठीक है उन्होंने कहा सर फाइनल ईयर रिजल्ट कब तक आएगा फिर डिस रिप्लाई उसके बाद इन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि विथ इन टू थ्री डेज कहने का मतलब दो से तीन दिन में आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ से टू डे के आप दे सकते हैं अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट है उन्होंने स्क्रीन शार्ट शेयर किया उन्होंने बोला कि सर ए यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई आया है और बल्कि एक स्टूडेंट उन्होंने खुद कहा कहा मैंने खुद जो है पूछा है ठीक है बहरहाल दोस्तों अब तो मैं आपको बता दूं कि ए के टी वी ने जो नोटिस निकाला था उसमें दो मार्च दिया था जो रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट है सेसनल मार्क्स का प्रैक्टिकल का जो सेसनल मार्क्स थे उनको जो अपलोड की जो हार्ड कॉपी होती है स्पायरल बाइंडिंग वगैरह उसको अपलोड करने की डेट थी दो यानी लगभग ख़त्म हो चुकी है और आपको पता आज तीन मार्च हो चुकी है कल चार मार्च आ जाएगी तो उन्होंने दो से तीन दिन बोला अगर दो से तीन दिन हम ऐड कर लेते हैं तो मैक्सिमम जाता है पाँच मार्च यानी आप मान चलिए चार पाँच मार्च यही बनता है तो इसी वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए बहरहाल तो आपका बैक हो रेगुलर हो कोई भी स्टूडेंट हो जहाँ तक रिज़ल्ट का अगर बात करें डेट की तो मान चलिए चार से पाँच मार्च तक में यानी कि कल तो मुश्किल है लेकिन फिर भी चांसेस बन सकते हैं वैसे तो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है लेकिन मान चली मार्च के इसी वीक में अगर बहुत सारा डील होगा तो 10 मार्च तक में आपका रिजल्ट हर हाल में आ जाना चाहिए दोस्तों लेकिन अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये ऑफिशियल नहीं है हमारे पास एक स्टूडेंट ने कॉल भी किया था उन्होंने और उन्होंने स्क्रीन भी भेजी तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी हो लाग कर, लाग कर, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों कोई डाउट हम करके पूछ सकते हैं आसिल बस इतना तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप मोबाइल फोन स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाँच पचास करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं डेली ने जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेस स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्वीज मिलेंगी तो आप वेट किसका कर रहे हैं जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए।